वाले दिन नरसिंह भगवान की पूजा करके आपको ये चीज़ चढ़ा देनी है। इससे आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा, धर्म और धन दोनों ही आपको मिलेगा, दोनों की जीवंतता आपको प्राप्त होगी। आज ऐसा चमत्कारी उपाय बता रहे हैं, जिस मंत्र को आपने जप लिया तो भगवान नरसिंह की कृपा जीवन भर के लिए आपके परिवार और आप पर बनी रहेगी। प्रभु बहुत भक्त वत्सल हैं और भक्तों को कृपा करते हैं, आपको पता ही है। प्रहलाद जी का उदाहरण इसके सामने है, आपके सामने है। तो ये अद्भुत लाभ आपको होगा, जैसे प्रहलाद जी की रक्षा हुई, प्रहलाद की रक्षा हुई, उसी तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। तो इसके इनका स्वरूप ही है नरसिंह भगवान, और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है अगर आप इनकी पूजा करते हैं इस विधि से, जिस विधि से हम आपको बताने वाले हैं। इसके करने से आपके घर में लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी और आपको धर्म और स्वास्थ्य, आध्यात्म सबकी कृपा आपके जीवन में होती रहेगी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास वीडियो लेकर आई हूं मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर के लिए और सभी यूट्यूबर्स के लिए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नरसिंह भगवान और पद्मा माता की अवश्य जय जयकार करिएगा। श्री नरसिंह भगवान भक्त भय को दूर करने वाले हैं, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, भंजनकारी हैं और ये इस स्वरूप में समस्त विश्व में परिचित हैं, जाने जाते हैं। हिरण्यकश्यप को प्राप्त अवैध वरदान को विदीर्ण करके प्रहलाद की रक्षा की, प्राणों की रक्षा करी और नरसिंह भगवान उनके कष्टों को दूर कर देते हैं जो उनकी उपासना करते हैं। तो इस स्वरूप में ये समस्त विश्व में जाने जाते हैं। इनके विलक्षण स्वरूप का आप ध्यान करते हैं तो आपको अलौकिक पराक्रम प्राप्त होता है। और ऐसा आपको बोलना चाहिए, भगवान नरसिंह के आगे दीपक जलाते हुए आपको ये शब्द बोलने चाहिए, उगते हुए करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान एवं इंद्र के हार के समान उज्ज्वल दंतों से भयंकर मुख वाले चमकते हुए नख युक्त अनेक हाथों से असुरों के स्वामी हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करते हुए अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तीन नेत्रों वाले विद्युत दृश्य अयाल राशि सज्जित भयंकर रूप वाले एवं मुख से अग्नि की ज्वालाएं विस्तीर्ण करते हुए मैं श्री नरसिंह भगवान का वंदन और भजन करता हूँ, ये आपको बोलना है। इससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। जो व्यक्ति नरसिंह उपासना करता है उसकी बहुत लाभ होता है और उसके दुश्मन का, रिपु का समूल नाश हो जाता है। आज हम आपको ऐसा मंत्र बता रहे हैं जो आप जपेंगे तो आपको लाभ होगा। पहला मंत्र सुनिए। आपको इस मंत्र पर भोजपत्र पर लेखन करना है, अष्टगंधकीय स्याही से लिखना है या ताम्रपर्ण पर उत्कीर्ण कराकर कवच निर्मित करें। इसके बाद षोडशोपचार पूजन करना है, उसे सब प्राण करें और इस मंत्र के सम्मुख आपको 9 दिन तक नित्य कवच करना है और 100 पाठ करने हैं। इसके अनुसार इस विधि से पाठ करने से आपकी शत्रु बाधा मिट जाती है। शत्रु कहीं का नहीं रहता है, सब परिवार वो दुर्गति को प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है और शत्रु बाधा आपके जीवन में कभी आती ही नहीं है। तो भगवान नरसिंह की अतिशय कृपा पाने के लिए आपको ये जाप अवश्य करना चाहिए। पहले मंत्र बताते हैं और उसके बाद आपको कवच भी पढ़ना है। नरसिंह कवच आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा। नरसिंह कवच सर्च करें यूट्यूब पर, ये कवच आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हम मंत्र बताते हैं, ओम नमो नरसिंहाय हिरण्यकशिपु वक्षः स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कीलनोन मूलनाय स्तंभोद्धव समस्त दोषान हन हन सर सर चल चल कंप कंप मथ मथ हुम फट ठह ठह एहि एहि रुद्रो
ज्ञापयति स्वाहा। इस मंत्र के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में कहा है, बालकांड के पद पर संख्या 12 में कहते हैं, एक बार भगवान राम बाल्यावस्था में बहुत रो रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे, पालने में झूल भी नहीं रहे थे, सिर्फ रो रहे थे। विभिन्न उपायों से कुछ भी दान नहीं किया, मतलब फ़ायदा नहीं हुआ और उसका कोई प्रभाव ना होने से कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने आकर भगवान राम का कुश से इसी नृसिंह मंत्र के द्वारा मार्जन किया था और इसके प्रभाव से उनका भय जाता रहा, क्योंकि भय को भी भय हो जाता है इस मंत्र को जपने से। ऐसा प्रभावशाली मंत्र है जो हमने आपको बताया। इसी प्रयोग से भगवान राम का रोना बंद हुआ था। तो ये अद्भुत मंत्र है। दूसरा मंत्र भी आपको बताते हैं जो आपको फ़ायदा देता है, वो इस प्रकार है, ओम श्रोम, क्षत्रिय वाला शो है और रह है नीचे, नमो भगवते नरसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दृष्ट्राय अग्नि नेत्राय सर्व रक्षोध्यानाय सर्वभूत विनाशनाय सर्वज्वर विनाशनाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ये आपको जपना है। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है और इस मंत्र के जपने से ही आपको लाभ मिल जाता है और इससे इसके बाद आपको हवन भी करना चाहिए और कपिला गाय का घी यूज़ में लेना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। अब हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें ऐसा उपाय बताने वाले हैं। नरसिंह भगवान का मानस पूजन करने से आपको लाभ होता है। मंत्र भी आप जप सकते हैं और नरसिंह भगवान का जो मंत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जपने से आपको लाभ होता है। इसके बाद दशांश विधि से अनुसरण करते हुए खीर से हवन करना चाहिए और ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं, वो शब्द ध्यान से सुन लीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु बेल की लकड़ी से प्रज्वलित अग्नि से हवन करें तो आपको फ़ायदा होगा। बेल की लकड़ी काम में लेनी है, ध्यान दीजिएगा। और मंत्र से अभिमंत्रित करके जो सफ़ेद वच का सेवन करता है उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। ये अद्भुत मंत्र है। आपको YouTube पर नरसिंह कवच तो मिल ही जाएगा, नरसिंह भगवान का मंत्र भी मिल जाएगा। हमने तो आपको बता ही दिया, लेकिन YouTube पर भी आप पूरा मंत्र देख लीजिए, इससे आपको लाभ होता है। नरसिंह मंत्र के नाम से आपको YouTube पर मिल जाएगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। भयंकर से भयंकर ग्रह बाधा को नष्ट करता है ये मंत्र। घोर अभिचार, उन्माद, भारी उत्पात और भय की स्थिति में इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फायदा मिलता है। मंत्र के जप से कुश और दुर्वा से मार्जन करने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और ये शत्रु नाश के लिए भी बहुत प्रयोग किया जाता है। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो नरसिंह भगवान का अवश्य जाप करिए। इससे आपके रियल शत्रु होने चाहिए। देखिए, हर किसी को अपना रिश्तेदार हो या मिलने जुलने वाला हो, आप शत्रु की डेफिनेशन ना दें उसको। लड़ाई झगड़ा हर किसी से मनमुटाव होता रहता है। भयंकर शत्रु जो आपका सब कुछ लूट चुका है उसको आप दंड देते हैं तो नरसिंह भगवान आपकी बहुत सहायता करते हैं। लेकिन आप सच्चे होने चाहिए, सच्चे मनुष्य का साथ देते हैं, भक्तों का साथ देते हैं नरसिंह भगवान, आप जानते ही हैं। तो आपको सत्य के मार्ग पे चलना है और किसी का बेवजह बुरा नहीं करना है। फिर देखिए आपका किस तरह से भला करते हैं नरसिंह भगवान, किस तरह से आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डॉक्टर उमाश्री चैनल, जो हमारे चैनल का नाम है, उसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ इसी तरह की जानकारी अनवरत रूप से आपको दी जाती है जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। कम्युनिटी पोस्ट में हमने होली से संबंधित बहुत वीडियो डाले हैं। हमारा दूसरा चैनल अयोध्या एस्ट्रो के नाम से है, उसमें भी हमने डाले हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए कम्युनिटी पोस्ट में जाके हमारे पॉपुलर अपलोड को, जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। होली संबंधी बहुत वीडियो हमने डाले हैं, उनका लाभ भी आपको मिल सकता है। डॉक्टर उमाश्री के कम्युनिटी सेक्शन में जाएं और लाभ उठाएं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।